क्या आपको भी पीरियड से पहले बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में पेन रहता है, बहुत ज़्यादा भारीपन होता है? आज की वीडियो में मैं अपनी ही एक प्रॉब्लम को आपके सामने शेयर कर रही हूँ और उससे निजात कैसे पाती हूँ मैं, डॉक्टर क्या कहता है इस प्रॉब्लम के बारे में, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका हेल्दी हम्मी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो में कुछ ऐसा मैं बताने जा रही हूँ आपको ट्रिक, जो कि आप इस प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, किसी को ये पेन आपके पीरियड होने से पहले ही शुरू हो जाता है, यानी कि 2-3 दिन पहले, किसी को 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले शुरू हो जाता है, किसी को ये मोस्टली पेन रहता ही है, बट जैसे जैसे सर्कल आता है ये बढ़ जाता है। तो अलग अलग इसके रीज़न हो सकते हैं। जैसे आपके पीरियड से 2-3 दिन पहले आपको पीरियड ये पेन शुरू हुआ है, तो ये आपको हार्मोनल चेंज की निशानी है और आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही है पीरियड के लिए। तो ये नॉर्मल है, इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पेन 7-8 दिन पहले, या फिर ऐसा होता है कि ये पेन रहता ही है बट पीरियड आते आते बढ़ जाता है, तो ये आपके लिए थोड़ी बहुत समस्या की हो सकती है, क्योंकि सिस्ट की वजह से, अगर आपके ओवरीज में सिस्ट है, ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये एक निशानी होती है आपकी ओवरी में सिस्ट के लिए। तो अगर आपको ये पेन रहता ही है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कराना चाहिए। बाकी बात करते हैं रिलीफ की। तो आप इस पेन से कैसे रिलीफ पा सकती हैं? दरअसल जो भी आपके इस तरीके के पेन होता है, जैसे कि आपके बॉडी में पेन है, आपकी कमर में पेन है, पेटों में पेन है, पीरियड के टाइम में जो प्रॉब्लम आती है, मोस्टली जब होती है जब आपको कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, या फिर आप कहें कि आप ठंडी चीज़ों से ज़्यादा फ्रेज नहीं करते, उनके साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सिकाई एकमात्र ऐसा इसका तरीका है जिससे आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी नुकसान के। आपको क्या करना है, जो आपके एरिया पेन कर रहा है, जैसे आपके ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, तो आपको हॉट बॉटल का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वो नॉर्मल सी गर्म हो, इतनी कि आपको हल्की हल्की सिकाई लग सके उसकी, वो आपको अपने ब्रेस्ट के पास में रखनी है, या फिर जहाँ भी दर्द हो रहा है वहाँ पर आप उसकी सिकाई कर सकते हैं। ऑयल मसाज कर सकते हैं, जैसे कि आप सर्दियाँ आने वाली है या फिर मौसम चेंज हो रहा है, तो इस टाइम में अगर आप सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके अच्छे से उसकी मसाज करेंगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर मसाज करने के बाद में आप हल्के गुनगुने पानी से सिकाई करेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्या आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको पीरियड के टाइम में कहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन होता है, कब से शुरू हो जाता है, और क्या आपको पेन होता भी है या नहीं है, और पेन से रिलीफ के लिए आप क्या करते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।